हजार है यहाँ से 8 किलोमीटर, और वही व्यू देखो ये। भाई लोग इसे कहते हैं सुकून, काफ़ी देर बाइक चलाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे धूप में बैठ के ना मिनी करना करेगा। फाइनली वी आर एंटर्ड इन डलहौजी, आफ्टरनून कल 20 और हम अभी हैं डलहौजी के अंदर, और ये सब हमने कवर किया है। 8 बजे हम घर से निकले थे और ऑलमोस्ट हमने ये 2.5 घंटे में कवर कर दिया। और ये मेन मार्केट है यहाँ डलहौजी का, हमें यहाँ से लेना है राइट ऊपर के लिए और फिर हम पहुँच जाएंगे डलहौजी माल रोड। ओ ओ ओ ओ ओ पहुँच गया, बच गया नहीं तो अभी जाता ही है। तो भाई लोग ये है डलहौजी का माल रोड, यहाँ से ये पूरा चौक है मेन और यहाँ से हम निकल जाते हैं ऊपर। नीचे का जो रोड है वो जाता है वाटरफॉल के लिए, डलहौजी में जो वाटरफॉल है उसके लिए जाता है, और ये जो जाता है ये जा रहा है अपना खजियार के लिए। अभी हम निकल रहे हैं खजियार के लिए। और यार ये मेरा थर्ड टाइम है डलहौजी के अंदर, और जो पहले क्राउड होता था ना डलहौजी के अंदर वैसा क्राउड आज देखने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी कम है, बड़ा कम क्राउड देखने को मिल रहा है डलहौजी में। अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है, मे बी अभी लोग आना स्टार्ट कर देंगे, जो पब्लिक है वो आना स्टार्ट कर देगी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोबारा से रश वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, क्राउड होना स्टार्ट हो जाएगा। आई नो कि अभी तो टाइम है नहीं है स्नो वाला, तो गाइज आई नो कि अभी इतना टाइम हुआ नहीं है स्नो वाला, और ना ही मैं ज़्यादा इतनी एक्सपेक्टेशन रख भी रहा हूँ कि मुझे स्नो देखने को मिलेगी, बट अगर ऐसा हो कि स्नो देखने को मिल जाए तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा यार, सच में यार मज़ा आ जाएगा। और ये है भाई, ये देख सकते हो कितना मतलब कि अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, रोड पे कितनी डेकोरेशन करके रखी है। और ये है DPS डलहौजी पब्लिक स्कूल, और ये सारा का सारा स्कूल वालों की तरफ से, ये बिल्कुल साफ़ सफाई जो रखी गई है ये स्कूल वालों की तरफ से रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हर एक जगह पर आपको साइन मिल जाएगा कि यहाँ से जो बच्चे हैं वो क्रॉस कर सकते हैं रोड, और देख सुन के थोड़ा सा चलें, साइन लगे हुए हैं जो बहुत अच्छी बात है। एंड ओह माय गॉड क्या बात है, बढ़ते हैं जल्दी से आगे की अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, देन मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। तो आगे यार बंदा रास्ते में खड़े होकर फोटो खींच रहा है बिंडी सही था सही था। ओ यार यार ये तो मोजू बन गया, या तो अपना बन गया या तो उनका बन गया, लेकिन मस्त वाला मोजू बन गया बंदा कहता कहता यार इतनी जगह जा भाई, तू सेंटर में खड़े होकर फोटो खींच रहा है यार, क्या यार। ओ यार भाई सही नहीं था यार, ये बिल्कुल सही नहीं था, ये गलत हुआ भाई। लोग
ऑन द वे अभी चल रहा है अपना खिजियार के लिए। खिजियार है यहाँ से 8 किलोमीटर। और वही व्यू देखो ये यार, वैली देखो जहाँ मैं रुका हूँ इस टाइम पे, कोई भी नहीं है यहाँ पे, अकेले। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइव केयरफुली, क्योंकि रोड के ऊपर जो जानवर हैं, जंगली जानवर, वो मिल सकते हैं आप लोगों को, तो थोड़ा ध्यान से ड्राइव करें। गाइस फाइनली रेस्ड इन खिजियार, और अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 1:20। सुबह मॉर्निंग में निकले थे, अनप्लान ट्रिप था, और फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे। सो गाइस जब लास्ट टाइम आया था तो तभी डिसाइड कर लिया था कि एक बार इस जगह पे बाइक लेके आऊँगा, तो फाइनली वो हो गया, बाइक लेके आ गया मैं इस जगह पे। अभी काफ़ी सारी प्लेसेस हैं और भी काफ़ी ज़्यादा जगह हैं जो कि मैं कवर करना चाहता हूँ बाइक के ऊपर, और होप कि यार वो जल्दी से जल्दी हो जाएंगी कंप्लीट। आप लोगों का जब तक साथ है तो वो कंप्लीट हो ही जाएंगी। अब चलते हैं आगे वहाँ पे, उस लोकेशन पे, और वहाँ पे जाके चेक करते हैं। नीचे एक छोटा सा तालाब भी है, तो भाई लोग इसे कहते हैं सुकून। काफ़ी देर बाइक चलाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर धूप में बैठ के ना मज़ा आ रहा है सच में, और जो सामने का व्यू है, व्यू को देख के और भी ज़्यादा लग फील हो रहा है। अब मन करा कि यहाँ पे सो जाऊँ और कोई उठाने वाला ना हो, बट ऐसा नहीं हो सकता, वापस भी जाना है। सो जल्दी से जल्दी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यहाँ पे, कोई आधा घंटा एक घंटे तक रुकेंगे, दैन उसके बाद चलते हैं। और यहाँ पर बैठने का सबसे ज़्यादा मज़ा पता क्या आ रहा है, जो सामने का व्यू है ना, सामने के व्यू से नज़र नहीं हट रही यार। सो गाइस मेरा ये कहना है कि ये जो तालाब है ना, अगर इसको यहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो होती हैं, अगर वो इसको अच्छे से बनाए ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि इसको ऐसे ही रखा हुआ है जिसकी वजह से कुछ खास मतलब कि यहाँ से दिख नहीं रहा। तो मेरा ये कहना है कि इसको अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ का टूरिज़्म जो है फिर वो बढ़ सकता है, लोग आ सकते हैं। अगर ऐसे रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये देखो, क्योंकि जो फिर अगर जब तक साफ नहीं होगा तो तब तक मैं नहीं करना करेगा। ये देखो सही है, सही है, बस थोड़ा सा। ये क्या था, ये तो धोखा हो गया यार बच्चे के साथ। कम से कम बड़ा होना चाहिए, ऊपर से लेके उधर उधर तक जाना चाहिए, वहाँ से लेके ना वहाँ तक जाना चाहिए। और गाइस ऑलमोस्ट 1 घंटा रेस्ट करने के बाद अभी इट्स टाइम टू लीव खिजियार, और वापसी के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए थे हम काफ़ी टाइम, और अभी निकलते हैं वापस, चलते हैं। थोड़ी सी ऊँचाई है, ऊँचाई के बाद फिर से वापसी।